ओम शांति। तो आपके डॉक्टर ने आपको मैमोग्राम के लिए कहा है। नर्वस हैं क्योंकि कैंसर ना आ जाए? ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि मैमोग्राम स्क्रीनिंग के लिए भी कराते हैं और डायग्नोसिस के लिए। स्क्रीनिंग यानी आपको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आपकी उम्र जो है वो 45 के पार हो रही है या 42-45 के हैं, लेकिन आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको मैमोग्राम के लिए जाना चाहिए। तो जब हम स्क्रीनिंग मैमोग्रामी के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने मन को संकल्प दें कि हमें तो कोई लक्षण भी नहीं है, तो हमारा नॉर्मल आएगा। दूसरा, डायग्नोस्टिक मैमोग्राम, ये तब कराया जाता है जब आपके डॉक्टर को लगे कि कोई गांठ है, उसको वो देखना चाहता है। तो डायग्नोस्टिक मैमोग्राम के बाद यदि कोई गांठ आता है, तो फिर उसको बायोप्सी के लिए यदि हम भेजते हैं, तो दो बात होंगी, या तो उसमें कैंसर आएगा या उसमें नहीं आएगा। जब उसमें कैंसर आ जाए, फिर हम क्या करें? देखिए, अनुभव ये कहता है, स्टडीज भी कहती हैं, कि जहां जीने की चाह होती है, जहां लक्ष्य होता है, वहां राह निकल आती है। तो ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर आपका कर ही रहे हैं और बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपको क्या करना है? आपको जीने की चाह को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य बनाइए, कोई ऐसा सपना देखें, या कोई सपना रहा हो जो अधूरा हो, उसे पूरा करने के लिए मुझे जीना है, ये संकल्प दीजिए। और आत्मा में बल भरने के लिए परमात्मा हमें सिखाते हैं राजयोग मेडिटेशन, जो हमें अष्ट शक्ति संपन्न बनाता है। राजयोग मेडिटेशन हमें आत्मनिश्चय कराता है, परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ता है। चलिए तो थोड़ी देर उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि यदि हम पहले से इसका अभ्यास किए होंगे, तो जब हमें परिस्थिति आएगी, तो उस समय हम इतने सशक्त होंगे कि हम पॉजिटिवली उसको क्रॉस कर पाएंगे। अपने मन को एक सुंदर सा संकल्प देते हैं, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर की मालिक हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं इस परिस्थिति को परमात्मा के साथ, उनकी शक्तियों के साथ बहुत सहजता से पार कर रही हूं। मैं जी रही हूं, खुश हूं। ओम शांति।